हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट की पॉकेट एडिशन की एक और नई वीडियो में। भैया कैसे हो यार, आज हम लोग फिर से पॉकेट एडिशन में खेल रहे हैं। और न कुछ भी हो, पॉकेट एडिशन में खेलने का मजा ही कुछ अलग होता है। ओए भैया, आपको पता है क्या, आज हमसे बॉब मिलने आने वाला है। ओए बॉब किस लिए आने वाला है? भैया शायद उसको कुछ काम है यार। पता नहीं किस काम से आने वाला है, लेकिन भैया उसने बोला था यार। चल ठीक है, आने दे, मिल लेंगे, क्या दिक्कत है। मोटे को पता नहीं क्या काम हो गया। ओए हे भैया, शायद कुछ इमरजेंसी वाला ही काम होगा। ओए चल ठीक है, पहले आने दे। ओए ना, उससे पहले मैं तुझे एक चीज बता दूं। ए भैया क्या बताना चाहते हैं? ओए देख, अपनी पिछली पॉकेट एडिशन वाली वीडियो में 12,000 लाइक हो चुके हैं। ओए तो इस वाली वीडियो में लाइक जल्दी से मार दो। ओए हां गाइस, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, हम लोग को लाइक से कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। हे भैया, ये क्या हो रहा है यार? हे भैया आंखें खोलिया यार। ओए आंखें खोलूं? ओए ये क्या बनना, मुझे चारों तरफ लावा ही लावा क्यों दिख रहा है? हे भैया, लावा लावा तो मुझे भी चारों तरफ दिख रहा है। कहाँ आ गए भैया आखिरकार? ओए मुन्ना, अचानक से रियल वर्ल्ड से उठकर ये पता नहीं कौन से कमरे में आ गए। चारों तरफ बेडरॉक बेडरॉक है, और चेस्ट भी दिख रहे हैं, और लावा भी नीचे दिख रहा है। ओए हे यार, भैया ये कहाँ पर फंस गए यार? ओए देख मुन्ना, मुझे सामने गेट भी दिख रहा है। चल यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया, पहले यहाँ से निकलते हैं। ए भैया लावा में जल गए यार। ओए रुक जा, पहुंच जाऊंगा। ये क्या मर गए? हे यार भैया, मैंने बोला था ना सामने लावा है, कैसे पहुंचेंगे? ओए इधर से तो नहीं, इधर से तो जरूर पहुंचेंगे। ओए ओए ये क्या, फिर से जल गए। हे भैया भागे यार, जहां पड़ते हैं फिर से मर गए भैया। ओए ये क्या हो रहा है, वहां पर तो पहुंचना इम्पॉसिबल है। और हम लोग किस कमरे में फंस गए, और किसने फंसा दिया हम लोग को? ओए कहीं बॉब ने तो फंसा नहीं दिया। हे भैया बॉब कैसे फंसा सकता है यार? वो तो हमसे मिलने आने वाला था ना। ओए मिलने तो आने वाला था, लेकिन उससे पहले हम लोग ये कहाँ पर पहुंच गए, इस चेस्ट में क्या है? हे भैया स्लाइम बॉल है यार, इसका भला क्या काम? ओए मरना, शायद यहाँ से निकलने में मदद हो जाए। हे भैया कॉपर स्टोन भी है यार। लेकिन भैया यार वो देखिए, वो आयरन गेट है, कॉपर स्टोन से कुछ भी नहीं होगा। ओ ये देख ब्लेज रॉड। ओए आखिरकार हमारे साथ हो क्या रहा है? हे भैया यार मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। चलिए चेस्ट में ही भैया शायद कुछ काम का सामान मिल जाए। ओए बॉटल, ओए मुन्ना ये वुड का ब्लॉक, और ये क्या है? ओए आखिरी चेस्ट बचा, उसमें भी देख ले। देखता हूँ भैया एक मिनट। ये तो खुली नहीं रहा भैया। ओए रुक जा, ऐसे खोल। ये क्या है, ये तो प्लैंक है, वो भी एक प्लैंक से भला क्या होगा? हे यार भैया ये प्लैंक तो पूरे लाव में जल जाएगा यार। ओए मुन्ना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट भैया, पहले मैं सामान वगैरह एकदम अच्छे से रख दूं, क्योंकि भैया इस बार मरे तो अपना जो बचा कुचा सामान मिला है भैया वो भी खो जाएगा। शायद भैया सामान हमारे किसी काम का ही, यहाँ से निकलने में मदद भी कर सकता है। ओए वो तो है, इस पानी में क्या है? ओए सिंपल सा पानी है और बेड रॉक है। हे यार भैया इस सामान से आखिर बन क्या सकता है यार? ब्लेज रॉड है, और भैया ये वुड के प्लैंक। हे भैया क्राफ्टिंग टेबल बना कर देखते हैं, शायद कोई ना कोई रेसिपी मिली जाए यहाँ से निकलने के लिए। वो रुक जा भी बनाता हूँ। वो ये बन गई क्राफ्टिंग टेबल। वो मुन्ना लेकिन हम लोग के पास एक वुड ब्लॉक था, वो भी खत्म हो गया। हे भैया यार क्राफ्टिंग टेबल से ही सब कुछ बनता है यार। देखते हैं क्या बनता है। ब्रूइंग स्टैंड। हे भैया हमारे पास यहाँ पर पानी भी है, और भैया नेदर क्वार्ट्स भी है। हे भैया कुछ तो बन सकता है यार। ओए क्या बन सकता है? हे भैया एक मिनट, पहले मुझे ब्रूइंग स्टैंड बना दीजिए, और ये भैया पाउडर बना लेता हूँ। ओए मुन्ना एक बॉल भी बन रही थी। हे भैया वो कौन सी बॉल थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक मिनट भैया, शायद हम लोग कुछ पोषण वगैरह बना सकते हैं यार। ओए कौन सी पोषण मुन्ना? हे भैया ये देखिए यार, ये तो मैग्मा क्रीम है यार भैया। इससे भैया हम लोग फायर रेजिस्टेंस की पोषण बना सकते हैं यार। ओए फायर रेजिस्टेंस की पोषण, इससे भला क्या होगा? हे भैया यार हम लोग लावे में ही चल सकते हैं यार। ओए लेकिन भला हम लोग को लावे में क्यों चलना है? क्योंकि भैया हम लोग को इस गेट के पास पहुंचना है, तभी तो यहाँ से निकल पाएंगे। ओए शायद तू सही कह रहा है। ए भैया इस एक प्लैंक का क्या यूज हो सकता है? ओए इससे तो मन्ना एक बटन बन सकती है, और कुछ भी नहीं। हे भैया बटन बन गई तो भैया अब क्या चाहिए यार? अब तो आयरन का गेट भी खुल जाएगा, जो कि भैया उधर साइड लगेगा। और भैया हम लोग फायर रेजिस्टेंस की पोषण बनाते ही उस गेट के पास चले गए, और भैया उस गेट को खोल कर बाहर निकल जाएंगे यार, अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ओए मुन्ना एकदम सही दिमाग लगाया तूने, एकदम परफेक्ट आइडिया है तेरा। ओए चल फिर जल्दी से पोषण पीते हैं, और क्या। चलिए भैया पी ली पोषण, अब कूदते हैं लावे। ओए मुन्ना संभाल कर। हे भैया यार पोषण पी ली है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए भैया यार अब हम लोग लावे में तो कम से कम चल सकते हैं, अब जलेंगे नहीं। अब चलिए भैया अब जल्दी से बटन लगाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ओए ये लगा दी बटन, इधर लगानी है ना। ओए ये लग गई। हे भैया एक मिनट यार, हम लोग भैया अगर इसके बाद भी ना निकल पाए, देखिए भैया आगे तो मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा, वो तो अब क्या करें।
हे भैया एक मिनट यार, पहले मुझे यहाँ का इंतजाम कर लेने दीजिए, क्योंकि भैया दोबारा मरेंगे तो भैया उस गेट तक पहुँचने का कोई चांस भी नहीं है यार। ओ ये भी बात तेरी सही है, क्योंकि भैया हम लोग को आगे पता भी नहीं है कि हम लोग निकल ही जाएं एक बार में यहाँ से, क्या पता भैया आगे भी बहुत सारा खतरा हो, और भैया अगर आगे जाके मरे ना तब भैया यहीं पर डायरेक्ट स्पॉन होंगे, और फिर भैया आप तो जानते हैं ना यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है बिना भैया फायर डिशन की पोषण के बिना, और भैया अब तो बना भी नहीं सकते यार, इसीलिए भैया मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक रास्ता बना लूँ यार। ओए मुन्ना एकदम परफेक्ट दिमाग लगाया, ओए क्या बात है, आखिरकार तू भाई मेरा है। ओए हाँ यार भैया चलिए ठीक है यार, काफी तारीफ हो गई, अब जल्दी से भैया चेस्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं यार। ओए मुन्ना चेस्ट से कैसे रास्ता बनाएगा? हे भैया एक मिनट कलेक्ट तो कर लीजिए, फिर बताता हूँ कैसे रास्ता बनेगा। ओए कलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है? अब भैया हम लोग इधर साइड से रास्ता बनाएंगे, ये प्लेस कर दिया चेस्ट, इधर भी एक कर दिया, ओए अब क्या करेगा? इधर भैया क्राफ्टिंग टेबल लगा लेता हूँ, जिससे भी भैया रास्ता बन सके उससे ही बनाना चाहिए, क्योंकि भैया मुसीबत के समय यही सब चीजें काम आती है। ये लीजिए भैया बन गया रास्ता, और बन गया क्या रास्ता, हाँ भैया बन गया, ये देखिए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और भैया ये ऐसे, और ये लावे में गिर गए, नहीं भैया ऐसे जंप मार के फिर से चले जाएंगे, क्या दिक्कत भैया? और चल कम से कम मुन्ना वहां जाने तक का रास्ता तो बन गया, अब दोबारा मरेंगे तो फिर से ही स्पॉन हो गए, फिर इस रास्ते से निकल जाएंगे। ओए हाँ भैया वही तो मैं बोल रहा था, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ओ ये क्या इतना अंधेरा क्यों है? ओ ये क्या अगर तो रास्ता ही बंद है, मुन्ना पोपट हो गया हम लोग तो। हे यार भैया ये कैसे हो सकता है? एक मिनट भैया ये है क्या यार? ओए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हे यार भैया ये तो मुझे ऑब्सीडियन टाइप का लग रहा है। ओए ऑब्सीडियन कैसे टूटेगा? ओ मुन्ना तू पागल हो गया क्या, ऑब्सीडियन को तोड़ रहा है? हे भैया ऑब्सीडियन तो टूट तो जाएगा, लेकिन भैया इसको काफी समय लगता है यार। ओए समय नहीं मुन्ना, ये बेडरॉक की तरह काम करता है और हाथों से बिल्कुल नहीं टूटेगा। नहीं यार भैया टूट जाएगा, इसको भैया लगभग 3 मिनट वगैरह लगते हैं, लेकिन भैया टूटेगा जरूर, इसलिए भैया लग जाइए अभी से। ओए इसको तोड़ते तोड़ते मैं टूट गया, और ये नहीं टूटा, बोला था ना बेडरॉक की तरह काम करेगा। हे भैया ये देखिए हो गया ना कमाल। ओए ये क्या, तो सचमुच टूट गया। हाँ भैया टूट गया ना, दूसरे वाले को भी तोड़िए। ओए मुन्ना आगे भी लावा है। हाँ भैया लावा है, पहले इसको तो तोड़िए। ओए मुन्ना ऑब्सीडियन है कि क्या बवाल है, ये तो टूट ही नहीं रहा। ओए हे भैया टूटेगा, बस भैया पेशेंस रखिए यार। ओए क्या पेशेंस रखूँ, मेरे हाथ दर्द करने लगे। हे यार भैया ये कुछ ज्यादा ही समय नहीं ले रहा क्या यार? ओए टूट गया मुन्ना। हे भैया एक मिनट आगे भी लावा यार। ये क्या भैया, आगे तो कुछ जाने का रास्ता भी नहीं। ओए मुन्ना मैंने बोला था ना हमारा फिर से पोपट हो गया। एक मिनट भैया ये देखिए भैया इधर एक चेस्ट है यार। ओए चेस्ट में एग है, वो भी सल्कर का। ओए मुन्ना लगता है हमारे साथ बहुत गंदा मजाक हो रहा है, सल्कर का एग ये भला किस काम का है? हे भैया काम का आ सकता है। भैया आपको पता है ना सल्कर हम लोग को हवा में उड़ा देता है, और भैया इसकी मदद से हम लोग उस पार पहुंच सकते हैं। ओए मुन्ना तू तो एकदम दिमागदार निकला। ओए ये देख मुन्ना बिल्कुल सही करा था, ये तो हम उड़ा सकता है। ओए चल सल्कर आज तुझे मारने का मौका दे रहा हूँ, मार ले अच्छे से। हे भैया यार उसकी पूरी मार मत खाइए, उस जगह पहुंचे यार, क्योंकि भैया हम लोग को डैमेज भी मिलता जा रहा है यार। ओए ये ले मुन्ना पहुंच गए एकदम सेफली, लैंड कर गए। ओए बहुत बहुत शुक्रिया सल्कर, बाद में मिलेंगे। ओए चलिए भैया इफेक्ट भी इसका खत्म हो गया, अब चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ओए मुन्ना आगे तो जाने का रास्ता बना हुआ है। ओए हे भैया इधर भी चेस्ट, इनका भला क्या मतलब? ओए इनमें क्या है, कॉपल स्टोन। हे भैया ले लीजिए, कुछ ना कुछ आगे यूज ही होगा यार। ओए बात तूने बिल्कुल सही कही, रुक जा अभी ले लेता हूँ। इसमें क्या है, आयरन और। ओए अब मुन्ना यहाँ पर फाइबर्स कहाँ से पाएंगे, वाला इसका क्या काम है? हे भैया लेते जाइए। ओए ये देख इधर आयरन दे दिया, उधर आयरन और दे रहा है, हम लोग डायरेक्ट आयरन लेंगे और भला क्यों लेंगे। हे भैया जो चीजें मिल रही हैं उनको सब चीजें समेट लीजिए भैया, क्योंकि भैया कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो भैया आगे हम लोग को ही घाटा हो सकता है। ओ ये देख मुन्ना प्लैंक मिला है भैया, वुड का ब्लॉक है यार, प्लैंक नहीं है। ओ इससे प्लैंक बन तो सकता है ना? हाँ भैया वो तो है। ओ फिर से कॉपर स्टोन, 8 कॉपर स्टोन मुन्ना मिल गए हैं। हे भैया चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओए आगे कैसे बढ़ेंगे, इधर तो बंद है। हे यार भैया अब क्या करें यार, इधर भी बवाल, मैंने बोला था ना भैया कि भैया ये चीजें कुछ ना कुछ तो काम आती हैं। अब भैया ये सोचना पड़ेगा कि इससे हम लोग क्या काम मिला सकते हैं इधर से निकलने के लिए। ओए क्या ला सकते हैं,
रुक जा, पहले क्राफ्टिंग टेबल बना दे, क्योंकि मुन्ना हम लोग को उस बार क्राफ्टिंग टेबल से ही आइडिया आया था। ओए हाँ भैया, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चलिए भैया लगा दीजिए क्राफ्टिंग टेबल। और रुक जा, इधर ही लगा देता हूँ। ये लगा दी क्राफ्टिंग टेबल, और इससे देखता हूँ क्या बन सकता है। हे भैया, इससे क्या बन सकता है? हे भैया, फर्नेस बन सकता है यार। फर्नेस से भैया हम लोग आयरन और पका सकते हैं। ओ लेकिन मुन्ना, आयरन का यूज भी तो होना चाहिए ना कुछ। हे भैया, पहले पकाते हैं, फिर देखेंगे भैया कि क्या यूज होता है। ओए रुक जा, इधर ही प्लेस कर दूँ। जलेगा तो नहीं? नहीं भैया, वो नहीं जलेगा भैया। चलिए भैया, जल्दी से कोल रखिए, और दो आयरन हो रहा है उसको पका लीजिए जल्दी से। ओए रुक जा, फिर रखे दे रहा हूँ। ओए इधर प्लेस कर दिया। ओए मुन्ना, आयरन पकने लगा, पकने दीजिए भैया थोड़ी देर। A few moments later. और तो कोई रास्ता ही भैया मुझे नहीं दिख रहा। ओए इसको छोड़, अपना आयरन पक गया होगा, चल देखते हैं। हाँ भैया पक तो गया। चलिए भैया निकाल लीजिए। और निकाल लिया। हे भैया, क्राफ्टिंग टेबल में देखते हैं कि आखिर भैया इससे बन क्या सकता है। ओए मुन्ना, इस आयरन से तलवार जरूर बन सकती है। हे भैया यार, तलवार का क्या यूज करेंगे? तलवार से थोड़ी निकल जाएंगे। ओए मुन्ना, फिर क्या बना सकते हैं? सोचना पड़ेगा भैया। इधर एक तलवार है, तलवार से कुछ नहीं होगा। और भैया शेर से भी कुछ नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा, बाल्टी कुछ नहीं। ए भैया, रेल कुछ काम की आ सकती है क्या? ओए आ सकती है क्या? बना लिया मैंने। जब रेल बनाई है तो माइनकार्ट भी बना ही लेते हैं। ओए हे भैया, थोड़ा सा रुक तो जाया करिए यार। काम का हो या ना हो भैया, बेफालतू को बना लिया। ओए मुन्ना, तूने ही तो बोला था रेल को बना ले। हे भैया यार, थोड़ी देर सबर नहीं करते, इधर रेल लगा देते हैं, और भैया इधर भी लगा देते हैं। देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं। ओए मुन्ना, वैसे तेरा आइडिया वैसे काम कर सकता है मेरे ख्याल से। ओए हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लगे। भैया यार बच गए, नहीं तो जल जाती ये भी। ओए मुन्ना बच गए बाल बाल, नहीं तो इधर से निकलने का रास्ता ही पूरा चला जाता। ओए हे भैया, चलिए इसके ऊपर राइड करके देखते हैं पहुँचाती है कि नहीं। ओए पहुंचाएगी। ओए ये क्या? ओए पहुंच गए मुन्ना, बहुत बढ़िया। ओए मजा ही आ गया। हे भैया यार, हम लोग का आइडिया काम कर गया। बल्ले बल्ले, सावा सावा। ओए उसको छोड़, अब इधर से कैसे निकले? हे भैया, इधर से तो हम लोग को कूद कूद कर निकलना पड़ेगा। ये मारी जंप। ओए रुक जा, तेरे भैया का स्टाइल देख। ओए ये मारी जंप। ओए देखा मुन्ना, अब भैया एक और जंप। ओए तो ये ले। ओए ये चलाओ में गिर गए। भैया जल्दी निकलिए यार। ओए मुन्ना, लगता हम लोग जाने वाले हैं। हे भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इतनी मेहनत करके आए यार। ओए मुन्ना बच गए। ओए मुन्ना बाल बाल बच गए। हे भैया, इस बार आखिरी जंप है यार। ओए मार दी। ओए ये रही आखिरी जंप, क्या निकल पाएंगे? हे भैया, 1, 2 का 3। ओए निकल गए मुंडा, 1, 2 का 3, 3, 2 का 4। ओए माय नेम इज जैक। ओए हे भैया, बना तो कुछ नहीं हो। सामने एक भैया चेस्ट है, यहाँ से कैसे निकले? और रुक जा, चेस्ट में कुछ होगा। ओ इंटरपल। ओ मुन्ना, इसका क्या करे? हे भैया, सामने मुझे एक होल दिख रहा है यार। ओए मुन्ना, मैं जान गया, इंटरपल टेलीपोर्ट करने काम आता है। और देख उसके पीछे दरवाजा भी है, रुक जा भी फेंकता हूँ। ओए निशान एकदम सही लगेगा। हाँ भैया फेंके। ओए पहुंच गए मुन्ना। ए भैया पहुंच गए यार, दरवाजे ने भैया पहुंचा दिया यार। ओए पहुंच गए, देख एकदम फिट पहुंचे हैं। ओए अब ये कौन से कमरे में आ गए, और निकलेंगे कैसे यहाँ से? ए भैया कांग्रेचुलेशन तो कह दिया, लेकिन निकाला नहीं, धोखा हो गया भैया। ओए ये कैसे हो सकता है? ओए ये कहाँ पर आ गए? ओए ये क्या लग गई? ए भैया यार, पता नहीं इतनी तेज किसने गिरा दिया यार। ओए मुन्ना, लगता हम लोग अपने असली वर्ल्ड में आ गए। ए भैया आ गए यार, मजा ही आ गया भैया, ये तो बल्ले बल्ले सावा सावा हो गया। ओए मुन्ना फाइनली आ गए। हे यार भैया, मैं तो काफी हद थक गया यार। तो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ओए वो तो बचना भी नहीं चाहिए। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड बाय।